नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग देख रहे हैं बर्ड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पैरट्स के पैर टूट जाते हैं। बहुत लोगों के साथ में ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है, कमेंट्स आता रहता है मेरे पास में कि मेरे पैरट्स के जो लेग हैं वो टूट गए हैं, क्या ट्रीटमेंट करूं, कैसे करूं, तो कुछ बताइए इसको। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने जो चैनल पर हर तरह के ऐसे वीडियोज अपलोड कर दूँ जिससे आपकी कोई भी परेशानी, अगर आपके पैरट्स आपने रखा हुआ है और कोई भी परेशानी, कोई भी बर्ड्स आपने रखा हुआ है, पैरट्स ही नहीं तो किसी तरह की परेशानी होती है तो उसका सोल्यूशन मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाए, कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, मेरी कोशिश है। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि और भी कई तरह के वीडियोज मैंने मैक्सिमम आप लोग सवाल करते रहते हैं कि मेरे पैरट्स को ये हो गया, ये खाना नहीं खा रहा वगैरह वगैरह, तो आप उस तरह के तमाम वीडियोज हैं मेरे चैनल पे, वीडियो लिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके ज़रूरतों के हिसाब से वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका पैरट का लेग टूट जाए, कभी पिंजरे में लग के टूट जाता है, कहीं पर लटक जाता है, खिड़की वगैरह में पैर घुस जाता है, वहाँ से उड़ना चाहता है तो पैर वहाँ लग के टूट जाता है, ऐसा होता है। आपको बता देता हूँ, दो तरह का टूटता है। एक तो कभी ऐसा होता है कि जख्म के साथ, टूटने के बाद जख्म हो जाता है, और एक बार ऐसा होता है कि जख्म नहीं हुआ लेकिन पैर टूट के टेढ़ा हो जाता है। तो दोनों के लिए मैं अलग अलग ये है आपको बता दें। जब जख्म अगर आपका हो जाता है तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास पेट्स डॉक्टर है, मैं जो आपको इलाज बताने वाला हूँ तो बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपके बगल में कहीं पेट्स डॉक्टर है तो प्लीज़ अगर पैर टूट जाता है तो आप उसके पास ले करके चले जाएँ। और अगर पेट्स डॉक्टर नहीं है आपके बगल में तो ही मैं जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ उस ट्रीटमेंट को आप करें। आपके पास कोई उपाय नहीं है तो क्या करना है, अगर जख्म हो जाता है आपके पैरट के पैर में, जख्म हो जाता है तो आपको क्या करना है, ये दो आप देख लो मरहम आपको दिखा रहे हैं, बेटाडीन, दूसरा है सोफ्रामाइसिन, इसको लगाइए और जख्म पे पट्टी कर दीजिए पूरा टाइट। आप हाथ से देखिए, उसका हड्डी टेढ़ा है तो उसको सीधा कर दीजिए, अपने हाथ से सीधा करके फिट हो गया और उस पर मरहम लगा करके आपको पट्टी को बढ़िया से टाइट करके बांध दीजिए। और हो सकता है कि कुछ दिन में ही, सप्ताह 10 दिन में एक बार आप फिर उसके पट्टी को खोलिए 1 वीक में, या तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 4-5 दिन में उसको खोलिए, फिर ये मरहम लगाइए। ध्यान रहे, जब आप खोलेंगे उस टाइम में उसका पैर को इतना आराम से खोलना है कि उसका पैर फिर मुड़ने ना पाए, जो आपने सेट किया है उसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए दोबारा, एक जरा सा भी, तो उसको ध्यान रखना है। और 5-7 दिन में बदल दीजिए, बहुत जल्द आपका पैरट का जो पैर है वो सेट हो जाएगा, जैसे था वैसे सेट हो जाएगा। अगर जख्म है तो बेटाडीन या सोफ्रामाइसिन लगाना है। अब अगर जख्म नहीं है, अगर जख्म नहीं है, पैरट का पैर टेढ़ा हो गया, हड्डी टूट के सिर्फ चमड़ी लगा हुआ, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अंदर से ही टूटा है, तो आपको क्या करना है, उसको बिल्कुल सेट करिए, कोई मरहम नहीं लगाना है, पट्टी बांध दीजिए अच्छे से, और पट्टी को चेंज नहीं करना है, बिल्कुल बांध के सेट कर दीजिए। और आपको जब पूरी तरह से, और सेट करने के बाद आपको क्या करना है, कॉम्बी फ्लाम सिरप, ये जो आप देख रहे हैं, ये कॉम्बी फ्लाम का सिरप 3 से 4 ड्रॉप, 3 से 4 बूंद उसको देना है सुबह शाम, 3 से 4 बूंद सुबह, 3 से 4 बूंद शाम को। इससे क्या होगा, उसका घाव भी सूखेगा, दर्द भी नहीं होगा, और अगर फीवर भी आ जाता है उसको दर्द के मारे तो वो फीवर भी ये नहीं आने देगा, फीवर को भी रोक कर रखेगा, तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो ये कॉम्बी फ्लाम सिरप जो है इसको आप दे सकते हैं, और यही ट्रीटमेंट है इसका। जख्म है तो पट्टी चेंज करना है, नहीं तो जख्म में जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा उसका ना, लगातार एक ही पट्टी बंधा हुआ रहेगा, साफ़ नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर जख्म नहीं है तो आप कॉम्बी फ्लाम सिरप दीजिए, उसको पिलाइए और एक बार में ही पट्टी बांध दीजिए। और जैसे कि हमारा अगर इंसान का हाथ पैर टूट जाता है तो प्लास्टर चढ़ा हुआ रहता है लगातार बहुत दिनों तक, तो वैसे ही उसको चढ़ा के रखना। जब आपको लगेगा कि नहीं वो पैर रखने लगा है अच्छी तरह से, पैर रख रहा है अब, दर्द नहीं हो रहा है उसे, तब आप पट्टी खोल दीजिएगा, आपका पैरट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।